तो गाइस बेसिकली हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि कहाँ पर कौन सा शॉट आएगा, बेहतरीन नज़ारा। तो गाइस ये हमारी वो बेहतरीन लोकेशन देखो, ये कैमरा से जगह ना बिल्कुल जस्टिस नहीं कर सकता, इतनी प्यारा लग रहा है, मज़ा आ गया ना भैया यार, लोकेशन ने दिल खुश कर दिया। तो गाइस हमारे एक्टर देख सकते हैं आप तैयार हो चुके एकदम, और यहाँ पर हमारी एक्ट्रेस। तो यहाँ पर अभी रिहर्सल चल रहा है, भैया कैसे चल रहा है? तो यहाँ पर अभी रिहर्सल चल रहा है, भैया कैसे चल रहा है? परफेक्ट। सबसे पहले दौड़ने में हम ये चेक कर रहे थे फिसल तो नहीं रही है। थोड़ा पॉज। भैजी रेडी हो गया? हाँ मैं बिल्कुल रेडी लग नहीं रहा हूँ, क्या आना चाहिए मैं ऐसा जब बड़ी तुए दगड़ी माया, ऐसी एक्टिंग मुझे भी सीखनी है। मेरा भला जोगे तू मेरी जुवे के, तुए जल सानू अब कोई है को नहीं रहे। तो गाइस अभी हम ना स्पॉट दादा बन चुके हैं। मेरे पीछे सब, पहले मेरे पीछे सब, शुरू से बजाना ना गाना। डीजे वाले भाई तो कैसा लग रहा है आपको? पुट्टी लगा दी होगी। कैसा हो रहा पता ही नहीं चल रहा है। बताओ आप बता सकते हो मुझे? अब हमारा टेक टू, चलो बजाऊं। कैमरा रोल एक्शन। सो फाइनली भैया का टेक पूरा हो चुका है। पता सिर्फ 5 सेकंड का टेक हुआ है और कम से कम, एक तो धूप बहुत तेज हो रही है पता यार, पसीना एक तुरंत, पर चलो मेहनत अच्छा हो रहा है। दिस इज द मेहनत हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, मजा आ रहा है, मजा ही आना चाहिए, मजा आ रहा है ना। अब खैर आपको थोड़ी देर बाद एहसास होगा जब आप गेटअप में आकर के कैमरे के आगे आओगे कितना मजा आ रहा है। असलियत तो तब सामने आएगी। ये तो गायक भी जब गाता है ना, ये तो तब भी रिटेक लेते हैं भाई साहब। हाँ। मोहित को तो इतनी बार रिटेक किया इसने, चले दगड़े मोहित कह रहे भाई मत ही डाल मेरे को, मत ही डाल। जब बड़ी थे मेरा भला जोगे तू मेरी जुवेगे, तुए जले स्वाणू अब कोई है को। अकेले अकेले बच्चे से चप्पल पहन के आओ प्लीज, लाइक शेयर सब्सक्राइब ऐसे वाला, इन्हें देख के कैमरा उधर देख के वेरी गुड। इतने प्यारे बच्चे कहाँ मिलते हैं, मेरे को पता है आज तक ऐसे बच्चे नहीं मिले जो मेरा कहना माने। वो सब चीज़ में बोल रहा हूँ गीला, वो ऐसी लग जाए। गाना प्ले, गाना प्ले। ओ खतरनाक, लेकिन जैसे इधर मुड़ लिया मैं इधर छुप रहा हूँ तो मेरे को उछल के नहीं आना पड़ेगा, उतना फ्रेम नहीं आएगा ना वैसे। उछल के नहीं, आप सिंपल पैदल चलेगा। पर एक छोटा सा टेक हो चुका है पूरा। हाँ छोटा सा नहीं, एक ऐसा टेक हुआ है जो हमारे गाने को इंट्रोड्यूस कराएगा। करेक्ट पकड़ो, इंट्रोड्यूस चीज तो आ चुकी है।
अब यहाँ पर एक मिनी ब्रेक, ये हमारे खन्ना सर छोटे खन्ना इसमें पीला कलर कितना अच्छा लग रहा है। ना ना जाते वाले यार हमें तो मिला नहीं। जिंदगी में कोई फोबिया नहीं है, डॉग फोबिया बहुत है। और ये सामने देख सकते हो आप, ये मेरे सूट के बीच में कितनी बड़ी रुकावट बन रहा है ना। कोई नहीं, मैं काटा हुआ हूँ ये तुम सुनना चाह रहे थे। आओ तो मर डाल। अरे चलो सत्यम भाई, चलो यार, चलो आओ किधर जाना। क्या यार भैया, आ जाओ भैया, आ जाए, आ जाओ डॉग फोबिया वाले भैया। अपने खेत की रक्षा करने के लिए ना बैठा हुआ यार, कहीं उधर ही मत जाओ रे। चलो मैं रेडी हूँ, गाने प्ले करो। आप थोड़े पीछे जाओ, आप पीछे जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ ना। यहाँ पर म्यूजिक वाले, म्यूजिक प्लेन पॉज करने वाले बैठे हैं, खड़े हैं। अरे वाह क्या शॉट आ रहा है उसका, मैंने पूरा डायलॉग सिखा दिया पता है। बस प्रैक्टिस करना है। बस मुझे पूछना चाहिए आपको, कैसा हो रहा है भैया ये? हाँ, मेरे हिसाब से तो बहुत परफेक्ट शॉट आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो लोकेशन है, जो अभी हमने डे लाइट का व्यूज निकाला है ना, वो बहुत अच्छा निकाला है। काफ़ी शॉर्ट्स एक्चुअली हमारी जो थीम थी वो पहले से राइट थी, स्क्रिप्ट हमारे पास थी, हमें कब क्या करना है। तो अभी तक हम जो चल रहे हैं सॉन्ग के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि हमने लास्ट का शॉट लिया हो, फर्स्ट का शॉट लिया हो, जो लिया है एक सीरियल से ही लिया है, इसलिए मज़ा आ रहा है। और आप लोग थोड़ी देर बाद रेडी थे। और भैया जो है ये सच में बताया, इतने मस्त भैया है ना, सच में मतलब ऐसी भैया की कंपनी मस्त लगती है एकदम, जो सब जगह ढल जाता है। तो थैंक यू, मिलते रहेंगे आपके गले की वजह से, हम बार बार मिले बार बार। और पता है बहुत ज्यादा मेहनत लगती है गाइस, बट भाई साहब डॉग फोबिया है सामने। अरे यार भैया और तिरछा चले तो शायद हो सकता है हम दूसरी सूट में बिना रेबीज के टीको के आ जाए। वरना तो एक बात तो बोलनी पड़ेगी, वीडियो के पीछे बहुत मेहनत लगती है। यस यस, जो हमें आउटकम मिलता है उसमें पता नहीं लगता है। नहीं लगता है उसमें यार, मतलब जितना हम सोचते हैं ना उससे कई गुना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो आप गाने को बहुत ज्यादा प्यार देना, ठीक है गाइस, प्लीज इस मेहनत को हमारी सक्सेस करना। और आगे हम आपको वादा करते हैं बेहतरीन से बेहतरीन चीज, और बहुत जल्द डीजे सॉन्ग भी आएगा, शादियों में नाचेंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे ट्यून्ड, इसी इंसान की आवाज में नाचेंगे। डन। और अभी फिलहाल हमारा ब्रेक हो चुका है गाइस, थोड़ा लंच कर लेते हैं। अब हम लंच करते हैं, 4 बजने वाले हैं भूख के, फिर उसके बाद हमारा कर। और मेरा बैग, ये बैग तो भाई साहब जब से शूट शुरू हुआ है तब से इस बैग को लटका के चल रहा हूं। प्लीज लाइक, बनता है, जरूर बनता है। तो गाइस आंटी बहुत ज्यादा अच्छी है पता है। अब तक अभी टाइम कितना हो रहा है, मैं क्या हेल्प करूं आपका, टाइम कितना हो रहा है, अभी 3:30 हो गए। आंटी ने अब तक हमारा वेट कर रही है हमारे साथ लंच करने के लिए। बड़ी बात, हमारे चक्कर में ब्रेकफास्ट तक नहीं किया। हाँ वैसे आप हम लोग को फोन कर देते, अंकल को फोन कर दे रहे। अब हमारा टाइम है लंच टाइम, कब कहने से किया, चलो 6 बजे अंदर खाते बैठ के। आ जाओ सारे, आ जाओ अंदर बैठ के खा लो, आ जाओ। और अब हम दिखाएंगे आपको शानदार किचन। हां क्या दो तो यहाँ पर बैठ के हम सारे खाएंगे।
मैं तो पांच मिनट दादा जी कहते थे जब तक पांच उंगली कह के अगर मुंह में नहीं गए तब तक वो अनार नहीं बना। और ये जो जमीन में बैठ के खाने का मजा है उसमें डाइट भी बढ़ती है। हरी मिर्च कौन कौन खा रहा? मैं खा रहा एक एक करके ही बात करूंगी पूरी की चना पर इतनी साफ नहीं है। तो गाइस अभी हमारा लंच हो चुका है। शांति। तो गाइस अभी हमारा लंच हो चुका है और एंटी ने इतना मस्त खाना बनाया था बहुत ही बढ़िया। दाल बहुत टेस्टी थी, बहुत टेस्टी थी। मेरी बस की थी नहीं उतना सारा खाना खाने में, पर दाल भी टेस्टी थी। मैंने सारा खाना खाया, सारा खाना खाया, बिल्कुल भी छोड़ा नहीं, बिल्कुल भी छोड़ा नहीं। दोबारा मांगा मैंने जाके थाली तक चाटी। और अभी मैं रिया को डायलॉग सिखा रहा हूँ और रिया बहुत अच्छा कर रही है, तो आप वीडियो में जरूर देखना। रिया की कॉपी ए रही और रिया मस्त डायलॉग बोलेगी। और ये सारे बच्चे जितने भी हैं आज रिया की बहन है और ये भाई, ये भाई नहीं, ये भाई लगता है ये मेरा नाती है। इस टाइम पे आया है, इस टाइम पे है, इस टाइम को थोड़ी 6 बॉल का है, इस टाइम को थोड़ी है 6 बॉल का है। अब यहां पे चलेगा क्रिकेट मैच। ये यहाँ पर बॉलिंग डाल रहा लक्की और शॉट है।